अच्छा है। हाँ 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 लाओ भैया। क्या बात है? क्या बात होगी? क्या बात? कोई नहीं भाई, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं, सोच रही थी आजकल जमाना कितनी तेजी से आगे बढ़ गया है ना, आजकल के बच्चे तो माँ बाप की सुनते ही नहीं। भाई ये शिकायत क्यों बच्चों से, किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं कहा नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा सच्ची। मैं ही ऐसे बैठे बैठे कि पूजा ने जो मॉडलिंग की जिद की है, मैं जिद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता शारदा, जब एक बार मना कर दिया तो कर दिया। पूजा ने फिर कुछ कहा तुमसे? नहीं नहीं उसने कुछ नहीं कहा, ये तो मैं कह रही थी कि आजकल के बच्चों पे जोर जबरदस्ती करनी नहीं चाहिए, मेरा मतलब हम कर नहीं सकते ना। क्यों नहीं कर सकते शारदा? अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे जाता है तो उसे रोकना, उसे समझाना हमारा फर्ज है। देखो शारदा, इस टॉपिक पर मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। प्लीज जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। पता है ना भाटियास का क्या हुआ? कौन भाटिया? वो अपने कोने के बंगले वाले, उनकी बेटी। वो हीरोइन बनना चाह रही थी, उसके माँ बाप ने मना कर दिया तो बस घर छोड़ के चली गई। आज तक उसकी माँ रोती है, यही प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों की, उनकी बात ना मानो तो घर छोड़ने की धमकी देते हैं। क्यों, पूजा ने कुछ ऐसा कहा तुमसे? नहीं नहीं पूजा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमारी बेटी ऐसा कुछ कह ही नहीं सकती। ये तो मेरा दिल डर रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए, उससे पहले हम ही क्यों नहीं जा सकते थे। तुम कहना क्या चाहती हो शारदा? देखिए जी, हमें जमाने के साथ तो चलना ही पड़ेगा ना, अगर पूजा का मन है मॉडलिंग का तो उसे करने दीजिए ना। लेकिन मैं उसे समझा दूंगी, कह दूंगी उससे कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर बिल्कुल तस्वीर ना खिंचवाए, और फिर हमारी निकी भी तो है ना उसे गाइड करने के लिए। इसका मतलब ये कि तुम परमिशन दे चुकी हो? नहीं नहीं, आपसे पूछे बिना मैं कैसे परमिशन दे सकती हूँ। मैं तो बस ये कह रही थी कि हमें सोच समझ के फैसला करना चाहिए। ये तो अच्छा है कि आज हमारे बच्चे हमसे पूछ के कदम उठाते हैं, कल को हमारी शक्ति की वजह से हमारे पूछे बिना ही वो कोई कदम उठा ले तो हम। एक बात याद रखो शारदा, अपने आप वो कदम उठते हैं जिनकी लगाम नहीं होती, बहक जाते हैं वो, और बहके हुए मन और कदमों को संभालना बहुत मुश्किल होता है शारदा, बहुत मुश्किल। आगे तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है शारदा कि तुम पूजा को परमिशन देना चाह रही हो। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन याद रखना अच्छे बुरे नतीजे की जिम्मेदार तुम होगी, मैं नहीं, क्योंकि परमिशन मैं नहीं दे रहा, तुम दे रही हो। मैंने भी कहा थी ये परमिशन, आजकल के बच्चे परमिशन मांगते कहाँ है, बस फैसले सुना देते हैं।